में थे हम सब डरे हुए थे। कल जो दो बंदे घुसे थे उनके साथ में गन भी हो, गन में हाथ में गन लेके घुसे हुए थे, शॉटगन लेके घुसे हुए थे, और हमें ये भी नहीं पता है कि वो यूक्रेन बंदे थे या फिर रशियन बंदे थे या फिर सिविलियंस थे, हमें ये नहीं पता है। और सबसे बड़ी और यहाँ पर ऑलरेडी 200 से ज्यादा बंदे फंसे हुए हैं हम लोग। और ऊपर से एक बात है, और हमारे गेट है, मेन गेट है और कैंपस का गेट है, वो तोड़ा हुआ गया है। अभी हमारे पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं है ताकि कोई अंदर से घुसे या उसे ब्लॉक करने के लिए, सारे गेट्स ओपन पड़े हैं। और कल हमारे पास ऐसा एक सिचुएशन आ गया था, लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन आ गया था। बिल्कुल, कल हम लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं था, हम लोगों के जो भी सीनियर थे डंडा पकड़े खड़े थे गन वालों से लड़ने के लिए। गन वालों से लड़ने के लिए सेंस नहीं बनती है, मजाक लग रहा होगा, पर उस टाइम पे यही सही लगा क्योंकि उस टाइम पे कुछ भी नहीं कर सकते थे हम लोग। और हम लोग 30 सेकंड नहीं लगे, बस ये भी इन्फॉर्मेशन आया है कि कुछ जियो टैगिंग हो रहा है, कि अगर कुछ जियो टैगिंग हो रहा है तो यहाँ पर मिसाइल अटैक होगा। अब हमें ये नहीं पता जो कल जो लोग आए थे वो जियो टैगिंग हटा के गए हैं या फिर लगा के गए हैं। और ऊपर से हमारा हॉस्टल का लोकेशन आएगा, एयरपोर्ट के पास में पड़ रहा है, और हमारे दूसरे हॉस्टल का कैंपस भी है, उसके सामने भी कल पूरा बहुत रॉयड्स हुए हैं और बहुत सारा गन फायरिंग हुआ है कल रात को। और हमारे उधर हॉस्टल के पास एक मेट्रो भी है, बोरिसपिल्स का मेट्रो बोल के, उस स्टेशन के पास बहुत बम्बार्डमेंट्स भी हुए बोल के हमारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं, और फायरिंग भी हुआ है। और हमारा हॉस्टल का लोकेशन आएगा हॉर्लिक्स का स्ट्रीट 124 विच इज इन कीव, हम बस चाहते हैं कि कुछ भी लाइक इवैक्यूएशन, हमें पता है कि हम इंडिया पहुंचेंगे लेकिन एटलीस्ट जल्दी से जल्दी पहुंचे, वो भी पता नहीं जाएंगे दिन में, फिर भी कुछ नहीं होता, रात को 8 बजे के बाद से कुछ भी हो सकता है, 3 सेकंड में कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट किया उन्होंने 3 सेकंड में हमारी जान गई। एटलीस्ट अगर हो सके तो ये इन्फॉर्म करे जो ईस्ट जो एड्रेस है उस एड्रेस में स्ट्रीट 124 पे इंडियंस रहते हैं, ताकि हम लोगों के पास एटलीस्ट ऐसा नहीं कि मिसाइल आए तो हम लोग की चीज दिक्कत भी आ जाए। प्लीज न्यूज में वो दिखाइए जो हकीकत है, वो मत दिखाइए कि जो हकीकत नहीं है। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.